अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिली बेकरार का आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिली बेकरार का आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अब और इंतजार नहीं होता। अरे मेरे होते हुए तुम किसका इंतजार कर रही हो? अरे अब आपका इंतजार कौन करेगा, अब तो बस हमें अपने होने वाले बच्चे का इंतजार है। हाँ भाई, इसका इंतजार तो मुझे भी है, लेकिन जब मैं अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो थोड़ा डर लगता है मुझे। अरे डरना तो मुझे चाहिए, पेट से मैं हूँ, आप नहीं। नहीं नहीं, उसका डर नहीं है। फिर किस बात का डर? डरता हूँ कि हम लोग उसका सही से ख्याल तो रख पाएंगे ना, मेरा मतलब है उसकी पढ़ाई लिखाई और एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे ना। अच्छा जी, आपने तो फिर से आगे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसका उपाय भी है ना हमारे पास। उपाय? उसका क्या उपाय है, मुझे भी बताओ ना। उसका उपाय है परिवार नियोजन, भूल गए? पिछली बार ही तो NM दीदी ने समझाया था, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ वो तो है, हम लोग भी अगर दो बच्चे करेंगे तो कम से कम 3 साल का अंतर रखेंगे, याद है ना पिछली बार ANM दीदी ने हमें ये बताया था। बिल्कुल, और इस अंतर से हमारी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाएंगे, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा क्या? क्यों, ये सोचना केवल मेरी जिम्मेवारी है? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये तैयार हो रही हो, कहीं जाना है क्या? लो ऐसे तो हमेशा आगे की सोचते हो, और ये भूल गए कि हमें ANC की तीसरी जांच के लिए ANM दीदी के घर जाना है। अरे हाँ हाँ याद आया, 7वें महीने में तो हमें जाना था चेकअप के लिए, आज ही चलना है क्या? अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, बाद में चलेंगे। अरे नहीं नहीं, अभी चलते हैं। पिछली बार ANM दीदी ने हमें बताया था कि इस दौरान हमें प्रसव के बाद के परिवार नियोजन के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगी। हाँ तो चलिए ना, ANM दीदी से मिलकर मैं अपना जांच भी करा लूंगी और प्रसव के बाद के परिवार नियोजन के बारे में भी और जानकारी ले लेंगे। हाँ हाँ चलो चलो, हाँ रास्ते में थोड़ा ध्यान से चलना, ठीक है? दीदी सब ठीक तो है ना, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। अनीता अपना और अपने बच्चे दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, और इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है कि तुम इन दोनों का ख्याल अच्छे से रख रहे हो। दीदी पिछली बार आपने कहा था कि इस बार आप प्रसव के बाद के परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में बताएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगी। हाँ दीदी बताइए ना, हम लोगों के लिए कौन सा तरीका अपनाना अच्छा रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगी। देखो
जैसा कि मैंने पिछली बार भी तुम लोगों को बताया था कि परिवार नियोजन के बहुत सारे तरीके होते हैं और उनमें से कौन सा तरीका अपनाना है उसका निर्णय तो तुम्हें अपने परिवार की ज़रूरत के हिसाब से और परिवार के बारे में खूब सोच समझ कर ही लेना चाहिए और निर्णय तो तुम लोगों को ही मिलकर करना है। मैं तो तुम्हें प्रसव के बाद के परिवार नियोजन के सभी तरीकों के बारे में बता देती हूँ। ठीक है दीदी, आप सभी तरीकों के बारे में बता दीजिए। देखो, परिवार नियोजन के बहुत से तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है कॉपर्टी। अगर इसे तुम लगवाना चाहो तो प्रसव के 48 घंटे के अंदर लगवा सकती हो या फिर बच्चा पैदा होने के 6 सप्ताह बाद या 1.5 महीने के बाद लगवा सकती हो और इसे 5 या 10 वर्षों के लिए लगाया जाता है। मतलब कि एक बार लगवा लिया तो 5 या 10 साल के लिए निश्चिंत हो जाएंगे और जब सोचेंगे कि हमें दूसरा बच्चा चाहिए तो इसे निकलवा भी सकते हैं ना। हाँ, इसके अलावा परिवार नियोजन का एक और तरीका भी है जिसमें एक इंजेक्शन आया है जिसे हम अंतरा कहते हैं और ये हर 3 महीने पर लगवाना पड़ता है, लेकिन इसे तुम प्रसव के 6 सप्ताह के बाद ही लगवा सकती हो। दीदी, इसे लगवाने के बाद हम अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकते हैं ना? बिल्कुल पिला सकती हो, इससे माँ के दूध या उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। और दीदी, प्रसव के बाद के परिवार नियोजन के लिए गोली भी तो होगी ना? हाँ बिल्कुल है, छाया नाम की गोली आती है, अगर तुम लेना चाहो तो प्रसव के बाद ले सकती हो। अगर इसे लेना ही है तो प्रसव के बाद के शुरू के 3 महीने में सप्ताह में 2 बार गोली लेनी होगी और फिर उसके बाद सप्ताह में 1 गोली लेनी होगी और इसके अलावा POP भी ले सकती हो और इन दोनों गोलियों में से चाहे जिस गोली का भी इस्तेमाल करो इसके साथ ही तुम अपने बच्चे को स्तनपान भी करा सकती हो। अच्छा दीदी, हमें तो ये पता है कि बच्चा पैदा होने के कुछ महीने तक कोई महिला गर्भवती नहीं होती, तो फिर हमें परिवार नियोजन का तरीका क्यों अपनाना? ये बहुत गलत धारणा है गीता। बच्चा पैदा होने के बाद अगर कोई परिवार नियोजन का कोई भी तरीका नहीं अपनाता है तो दोबारा माँ बनने की संभावना हो सकती है और सोचो, इतनी जल्दी कोई दोबारा माँ बनेगी तो उसके शरीर को नुकसान ही तो पहुँचेगा। ठीक है दीदी, हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। इसके अलावा तुम लोग कॉन्डम तो जानते ही हो और जब तुम दोनों को लगे कि तुम्हारा परिवार अब पूरा हो चुका है तो तुम दोनों में से कोई भी नसबंदी करवा सकते हो। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि नसबंदी परिवार नियोजन का एक स्थायी तरीका है और इसे तुम प्रसव के बाद भी करवा सकती हो। दीदी, ये छाया, अंतरा या POP हमें मिलेगी कहाँ? इसे तुम किसी भी सरकारी अस्पताल या निजी प्राइवेट अस्पताल से ले सकते हो। दीदी, परिवार नियोजन के बारे में आपसे बात करके हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग इसके मास्टर बन गए हैं। अच्छा दीदी, तो हम अब चलते हैं और हाँ, अगर हमें कोई और जानकारी लेनी होगी तो हम आपसे जरूर मिलने आएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, प्रसव के बाद परिवार नियोजन के कौन कौन से तरीके हैं। तो मैडम होशियार, क्या सोचा आपने? मैंने जो सोचा है वो मैं गा कर बताऊंगी। इसका मतलब तुमने इस पे गाना भी बना लिया क्या? और क्या, तो देर किस बात की, अभी सुनाओ। अरे नहीं, चलिए मैं आपको घर चलकर सुनाती हूँ। ठीक है ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलो। खुशहाल बनाएंगे, आओ मिलकर जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे। बच्चों में हो 3 साल का अंतर रखना ध्यान, बच्चों में हो 3 साल का अंतर रखना ध्यान, मिलेगी उसको अच्छी शिक्षा खान पान मेरी जान, मिलेगी उसको अच्छी शिक्षा खान पान मेरी जान। लेंगे मिलकर निर्णय हमको कब क्या है अपनाना, लेंगे मिलकर निर्णय हमको कब क्या है अपनाना, छाया अंत
मात्रा पियो पीकाब अंतर है जाना, छाया अंतरा पियो पीकाब अंतर है जाना। लगे जो हो परिवार पूरा तो नसबंदी करवाएंगे, लगे जो हो परिवार पूरा तो नसबंदी करवाएंगे, नहीं तो लंबे समय के लिए कॉपर्टी लगवाएंगे, नहीं तो लंबे समय के लिए कॉपर्टी लगवाएंगे। बहुत फायदा इससे अब सबको बतलाएंगे, बहुत फायदा इससे अब सबको बतलाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे। आओ मिलकर जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे, आओ मिलकर जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे। प्रसव के बाद परिवार नियोजन के उपाय। परिवार नियोजन के कई तरीके होते हैं। पति और पत्नी अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसव के 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रसव के बाद आप गर्भ निरोधक गोलियाँ जैसे कि छाया या पीओपी ले सकती हैं। इसके अलावा आप परिवार नियोजन के लिए अंतरा नामक एक सुई भी ले सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका परिवार अभी के लिए पूरा हो गया है लेकिन शायद भविष्य में आपको एक और बच्चा चाहिए, तो आप कॉपर टी जैसा लंबे समय का उपाय भी अपना सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका परिवार बिल्कुल पूरा हो गया है तो आप या आप अपने पति का नसबंदी करवा सकती हैं। आओ मिलकर जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे, आओ मिलकर जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे, खुशी खुशी परिवार नियोजन को अपनाएंगे।